नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है, वो गोरखपुर दौरे पर है जहां मुख्यमंत्री ने एमआरआई सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है, जिसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है, जबकि पूरे देश में कई जगह सरकारें इस मॉडल को अपनाती हुई भी दिख रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोर रहा है। स्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है और जो वैध है वहां आवाज को नियंत्रित करवा रही है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अयोध्या के जीआईसी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और फतेहगंज देवकाली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि अयोध्या विश्व पर्यटन नगरी बने। विश्व पर्यटन नगरी में अयोध्या अपना अलग स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की सुविधाएं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जा रहा है। कुशीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटेंटो का माननीय राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की ओर से भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बताया कि विभागीय दायित्वों के निर्वहन का शुभारंभ उस पावन भूमि से कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से उन्हें संबल प्रदान करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जितनी क्षमता जनपद में आलू की पैदावार की होगी उसी क्षमता के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी अगले एक साल में कराई जाएगी। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटेटो जो हम आज यहाँ स्थापित की प्रक्रिया स्थापन की प्रक्रिया शुरू करके जा रहे हैं, जिस दिन तैयार हो जाएगा उसके बाद से कम 30-35% तक आलू के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि एक अच्छा शोधित बीज हमको मिलेगा। वो बीज जो पैदावार को भी बढ़ाएगा और बिना किसी रोग के वो तैयार होगा, तो निश्चित तौर से इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा इस क्षेत्र के पूरे गोरखपुर मंडल के बीच में। हमने अपने दायित्वों का निर्वहन, उद्यान विभाग के दायित्वों का निर्वहन आज पहली बार मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, वो भी भगवान बुद्ध जो हमारे शांति और करुणा के प्रतीक हैं और हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उन सब का ये कार्य क्षेत्र है। तो निश्चित तौर से हमारा ये सौभाग्य का विषय है कि आज हमको अपने दायित्वों का निर्वहन मैं यहाँ से प्रारंभ करके चल रहा हूँ और निश्चित तौर से इस पावन भूमि से, इस माटी से मुझे संबल मिलेगा कि मैं उत्तर प्रदेश में अपने विभाग से के माध्यम से अच्छी सेवा। प्राइम टीवी की खबर का खास असर हुआ है। आपको बता दें कि चैनल पर खबर चलने के बाद पत्रवाहक से झाड़ू चलवाने के मामले पर सीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल विभागीय जांच पत्रवाहक ने खंड विकास अधिकारी पर शोषण का आरोप लगाया था। वहीं पोस्टमैन ने शोषण बंद ना होने पर आत्महत्या की धमकी भी दी थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये दो दिन के पहले ये वीडियो वायरल हुआ है, हमारा संज्ञान में है, इसका जांच के लिए हम जिला विकास अधिकारी के पास हमने पत्र दिया है। वो जिला विकास अधिकारी जांच करे, एक दो दिन में उसमें जांच कर रिपोर्ट आ जाए, उसी हिसाब से जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। फरुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट और ईओ नगर पालिका के नेतृत्व में 9 दिन अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें आवास विकास तिराहे पर होटल मनकामेश्वर के अंदर लगभग 1 मीटर चूना डाला गया। वहीं साथ ही जिले में कई जगह पर अतिक्रमण हटाया गया।
अयोध्या पुलिस ने हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में पथराव के चलते नाराज थे और इन्होंने ईद में खलल डालने की घिनौना साजिश की थी, लेकिन इस साजिश को अयोध्या पुलिस ने नाकाम कर दिया और कोर्ट में पेशी के बाद अब सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम इसमें एक्टिव हुई और इसमें साक्ष्यों को संकलित किया और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया गया है, 7 लोगों को, और 4 अभियुक्त जो फरार हैं उनको भी हम लोग जल्द गिरफ्तार करेंगे। जो पदार्थ इन्होंने फेंके थे वहाँ पे उसकी बरामदगी हो गई थी, जो वाहन है वो वाहन भी हमारे पास बरामद हैं, कुछ वाहन की उसमें और बरामदगी हम लोग जल्द ही सुनिश्चित कराएंगे। मैनपुरी में ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां प्रेम विवाह करने पर भाई ने बहन की हत्या कर दी, साथ ही युवती के पति को भी गोली मार दी। आरोपी ने चाचा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है, वहीं युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर किया गया है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया। इस घटना को अंजाम देते समय काफी नृशंस तरीके से हत्या की गई, उसके हस्बैंड को भी गोली मारी गई, वो अभी जीवन संघर्ष कर रहा है, माँ को भी इन्होंने गोली मारा, बट तमंचे के पट से मारा। आज ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और 2, जैसा आपने देखा, तो तमंचे जो कि घटना में यूज हुए थे अभी बरामद हुए हैं इनकी निशानदेही पर, और पूरी घटना का विद इन 24 आवर्स हम लोगों ने फिर अनावरण करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 का रिवार्ड घोषित किया जाता है। खबर मथुरा से है, जहां पर पिता की मौजूदगी में 2 भाइयों ने मिलकर संपत्ति विवाद में अपने ही एक भाई को जिंदा जला दिया, लेकिन ग्रामीण और पुलिस घटना को संदिग्ध बता रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पिता और बेटों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सुखवीर सिंह का कहना था कि पिता पूरी जमीन को दोनों भाइयों के नाम करना चाहते थे, दोनों भाइयों ने उसे जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। मेरा नाम सुनीता है बाबूजी, मेरे पति हैं जो जला दिए, यही 3 आदमी ने, मेरे ससुर हुए और सरबत सिंह और सूर्यपाल सिंह, ये 3 हैं। ससुर ये खेती के पीछे है रही है, जन्म में 3 चादना हो गई, पंचायत चुनते को भी मान ही नहीं रही है। हमारे ददिया ससुर और हमारे चचिया ससुर दोनों जने यहाँ पर बैठे थे खटिया पे, हमारे ससुर आए खेत पे से मिट्टी के तेल की कट्टी निकाल के लाए थे ये हमारे घर में से। हमने कही तुम क्या करोगे इसका, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं पानी लगाने जा रहा हूँ खेत पे। मैंने कहा अच्छा, इतने भी हमारे ये ना मुसिया ससुर इनने कट्टी छीन की नहीं, हमारे ससुर के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, माँ उनने यहाँ करके तेल लगा दिया आगे नहीं है। तो हम, मैं, हमारी छोटी बहन, हमारी सास भाज के गए हम 3। मेरा नाम गुड्डू है सर, नगला गाँव। मेरे पिताजी हैं सर, इनके साथ सर खेत पे थे, आए थे ये दौजी राम और सरबत सिंह और सूरजपाल, इनने 3 ने पकड़ के आगे। खबर औरैया से है, जहां स्वाट टीम और पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बता दें चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब आरोपी को रोकने की कोशिश की तो जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपी को पुलिस की गोली लग गई, जिसके बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर करा गया है, जहाँ डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए सैफई मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। शिवराजपुर के रहने वाले हैं, जो अब कानपुर आउटर में पड़ता है, इनके ऊपर दर्जन भर मुकदमे शिवराजपुर, कानपुर आउटर, कानपुर देहात, औरैया के दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज। तो ये बहुत दुर्दांत अपराधी था जिसको मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गौ सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे कन्नौज के छिबरामऊ विकास खंड पहुंचे, जहां उन्होंने विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें गौशालाओं में उन्हें कई कमियां नजर आई थी। वहीं गौशालाओं के केयर टेकर ने बताया कि टाइम से डॉक्टर नहीं आते, जिससे गायों का सही से इलाज नहीं हो पाता है। प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पांडे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उद्देश्य यही है कि माननीय जो मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश पे जो भी गौशालाएं चल रही हैं, उनमें चिकित्सा की बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है। मैं गौशालाओं में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि गायें बीमार पड़ी मिलती हैं। जब उनसे पूछो तो वहां बताया जाता है कि डॉक्टर साहब कभी आते ही नहीं देखने। इस टाइप की कई समस्याएँ हैं, तो यहाँ छिबरामऊ में डॉक्टर साहब की नियुक्ति ही नहीं है। जो चार्ज पे दिए हुए हैं, जो सौरिक के डॉक्टर साहब हैं, उनको छिबरामऊ का चार्ज दिया गया है, तो हम नियुक्ति की मांग के लिए वहाँ गए थे कि डॉक्टर साहब की नियुक्ति की जाए, जिससे गौशालाओं में गौ माता की देखरेख हो सके। खबर श्रावस्ती से है, जहां रसोई घर में 21 साल की विवाहिता का शव मिला है। शव मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक परिजन मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे मृतका के मायके वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उसके पिता ने ससुराल वालों पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोल भरी घर भर लड़ते तो बिची हमारे का लंबा उठा है जाओ कब ही तो बताओ बात तो कहे नम्मा हम कहा तुम का दाना सिर जिले तो वही बह तो क्या बात है फोन कटा गया खाना बनाई करा और फिर फोन पहुंचा कि बिटिया तो और खत्म तो ये घर पर चारों आदमी मिलकर बिटिया खमरे मार डाल रही इसके बाद फोन का हम फोन लगावा फोन ना उठे अब जाने कहा लड़ाई झगड़ा फिर इनका दिया जेठानी और महतारी तीनों बंदे हमरे बिटिया को सुख ना रहे दी। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर फाइनेंस पर सामान खरीद कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में पैन कार्ड, आधार कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुआ है। सिविल लाइन्स के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि फाइनेंस पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान लेके उसकी किश्त नहीं चुकाई जा रही थी। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए इस पर तफ्तीश की गई तो एक गैंग का खुलासा हुआ, जो कि फाइनेंस लेने के बहाने, फर्जी कार्ड और फर्जी आईडी के बहाने फाइनेंस लेके सामान लेके उसकी एक किस्त चुका के बाकी सामान इधर उधर बेचने का कार्य करता था। इसमें 5 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं, नरेंद्र निवासी बुलंदशहर, करण निवासी बुलंदशहर, विकास, अजय और हरिओम निवासी अली। हमीरपुर के गेस्ट हाउस में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं पुलिस ने जिले के कई गांवों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और चौराहों पर चौपाल लगाकर महिला पुलिस के जरिए जागरूक किया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित का कहना है कि वो एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर देना चाहते हैं जिसमें रात में भी महिलाएं अकेली घूम सके। आज मिशन शक्ति के तहत शहर की संभ्रांत महिलाओं, स्कूल की बच्चियों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिन्हें जागरूक किया गया कि अपनी सुरक्षा कैसे करें और पुलिस विभाग को अगर किसी अप्रिय स्थिति में किन किन नंबरों से सूचना दें, जिससे कि तत्काल उनकी सहायता की जा सके। सभी द्वारा इस संबंध में जानकारी भी दी गई और सबको अवगत कराया गया और सबने आश्वस्त भी किया कि भविष्य में किसी भी तरह की खतरा आने पर वो तत्काल इन्फॉर्म करेंगी और साथ ही ये आयोजन हमारा निरंतर जारी रहेगा, जिससे कि ये महिलाएं एक स्वस्थ वातावरण में यहाँ रह सकें, उनकी सुरक्षा को कोई आंच ना आने पाए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।